किसी अपने से मिलने की खुशी को शायद बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मुलाकात, ये शब्द ही मन को महका देता है। हम पल पल इस मुलाकात के बारे में ही सोचते रहते हैं। ऐसा मिलन हमारा उससे भी जीवन में जरूर होता है जो सभी की जरूरतों की फिक्र करता है, सभी के सुख दुख में साथ देता है। कैसी भी मुश्किल की घड़ी क्यों ना हो, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और हमसे मुलाकात करने वो किसी ना किसी रूप में जरूर आता है। तो आइए आज हम जानेंगे प्रसिद्ध गायक पंकज राज जी से उनके जीवन में ईश्वर की खास जगह के बारे में। जय माता दी, ओम साई राम, राधे राधे। नमस्कार, मैं आपका पंकज राज। मेरे भजनों को आप सभी दिव्या चैनल के माध्यम से सुनते हैं और बहुत प्यार मुझे आप सभी देते हैं। मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आप सभी का प्यार जो मुझे मिलता है, आगे भी ऐसे ही मिलता रहे और मैं अपने भजनों के माध्यम से आपके साथ रूबरू होता रहूं। मैं तो दर की खाक था, हीरा बना दिया मुझको साई जी आपने, जीना सिखा दिया। मैं तो दर की खाक था, हीरा बना दिया। शुक्रिया शुक्रिया साईं तेरा शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया साईं तेरा शुक्रिया। ईश्वर तो मन में वास करते हैं। जब मेरी तेरे नायत पर नजर जाती है, ईश्वर मेरी आंख भर आती है बेसबब। चले आए तो आसानी से चले। मेरे रूबरू, मेरी आंखों की इबादत है, मेरे रूबरू मेरी आंखों की इजाजत दे, कदमों में जमीन रख दूं। फिर सिर ना उठे मेरा, ये जा भी यही रख दूं। दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बचपन में मिले संस्कारों की वजह से मैं ईश्वर से जुड़ा। मेरा बचपन एक साधारण परिवार
में बीता। मेरे पिता श्री, मेरी माता श्री, जिनके आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे बचपन से एक ऐसे संस्कार दिए कि मैं मैं किवें पुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। मैं किवें पुलावा प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा। खुद चल दी रही ततिया बावा, मैनू करके ठंडड़ी छां। हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दमा। हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दमा। अज जो भी हाँ मैं जगते, एक तेरे करके हाँ। हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दमा। हर जन्म देण नहीं दे सकदा, तेरे एहसाना दमा। संगीत के माध्यम से ईश्वर को पाया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संगीत क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छे तालीम
को ईश्वर के प्रति समर्पित करें संगीत के माध्यम से। आखिरी सांस तलक हम तेरा दीदार करें, आखिरी सांस तलक हम तेरा दीदार करें, लम्हा लम्हा तेरी चौखट पे जाने सार करें, तमन्ना उम्र गुजरे तेरी इबादत में, तमन्ना उम्र गुजरे तेरी इबादत में, दम भी निकले तू सरताज तेरी चाहत में, तेरे रूबरू खत्म कर दे करम भाई। ईश्वर ने मुझे एक फकीर से मिलवाया जिसने मेरे जीवन को एक नई राह दी। अपनी माता श्री का सपना जो संगीत क्षेत्र में मुझे देखना चाहती थी उन्हें पूरा मैंने भाव सीखे हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मुझे एक जगह ईश्वर के दर से ही मिल सकती है। रुतबा निराला देखा साईं सरकार का, हो गया दीवाना मैं तो नूरे सरकार का, रुतबा निराला देखा साईं सरकार का, हो गया दीवाना मैं तो नूरे सरकार का। साईं चरणों में मेरा सजदा सलाम है, साईं चरणों में मेरा सजदा सलाम है, आज की ये शाम मेरे, आज की ये शाम मेरे, आज की ये शाम मेरे, आज की ये शाम मेरे बाबा जी के नाम है। साईं भक्तों की सजी महफिल तमाम है, साईं भक्तों की सजी महफिल तमाम है। My date with God। 22 मई 2010 कुछ अब नजफगढ़ साईं मंदिर में मैंने पहली बार किसी भक्त के कहने पर सच्चिदानंद साईं की हाजिरी लगाई, उनके भजनों का गुणगान किया, भाव के तरीके से किया। तब मुझे महसूस हुआ कि भजन अगर भाव से गाए जाएं तो वो ईश्वर तक ज़रूर पहुंचते हैं। अटूट प्रेम भक्तों का मुझे यहाँ मिला। उन्हीं भक्तों में से एक परम भक्त श्री सच्चिदानंद साईं के संदीप भारद्वाज जी की नज़र मुझ पे पड़ी, जिन्होंने मुझे मेरी संध्या के बाद मुझे रोका और वो मुझे अपने घर ले गए। अपने घर संध्या कराकर उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा कर्म किया और बाबा के भजनों की सीडीज बनाने का जिम्मा अपने सर लेकर उन भजनों को जगह जगह पहुंचाने का जिम्मा उठाया। तब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का मनन, ईश्वर का भजन अगर हम लोग दिल से करें, उनका अगर हम ध्यान मन से करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें,
तो वो पल पल आपके साथ देते हैं, आपका साथ देते हैं और आपके पल पल आपके साथ रहते हैं। आँख से आँख मिलाओ, तू कोई बात बने। बस विश्वास रखें, वो पल पल साथ रहता है। मैं जाते जाते अपने सभी दर्शकों को, अपने सभी दीवानगी कालम कोई मेरे दिल से पूछे, दीवानगी कालम कोई मेरे दिल से पूछे, नजरे करम हुआ है मेरे बाबा साई तुमसे, मायूस हो